कोई सेंस नहीं है। सर बड़ी जीत ये सीपी और एआई सब की हुई है सर, क्या लगता है पप्पू यादव का जो गुरु मंत्र था वो कहीं ना कहीं पीयू में काम आ गया? सर हमने एक विचारधारा को प्राथमिकता दी, हमने निर्णय लिया कि मुझे साथ हमें हमारे ही घर में मैं ये बताना चाहता हूँ कि लेकिन यह विचारधारा इस बिहार के हर व्यक्ति का जो एजुकेशन प्राथमिकता है, सुरक्षा प्राथमिकता है, बेटियों का एजुकेशन, बहनों का एजुकेशन, पटना को मैं लाख लाख बधाई, पटना के हर घर को बधाई। जिस तरीके से दोनों विचारधारा को रेस्पेक्ट दिया ना, मैं इस संकल्प को कभी भूल नहीं सकता हूं। हम दोनों मिथिला यूनिवर्सिटी से लेकर भूपेंद्र नारायण विश्वविद्यालय पूर्णिया, सभी विश्वविद्यालय मिलकर के हम लोग मजबूत विचारधारा के साथ काम करेंगे। सीपीआई एक बड़ी पार्टी, एक आवाज, और उसके साथ काम करने का जन अधिकार पार्टियों को जो जन अधिकार छात्र परिषद के द्वारा मिली, ये बहुत बहुत बधाई। एबीवीपी की बड़ा पर हार मानी गई सर, सर उनको जिम्मेदारी दी गई थी, संकल्प नहीं दिया गया उनको, एक मजबूत जिम्मेदारी दी गई थी। आखिर क्या किया, क्यों उन्होंने खो दिया? नीतीश कुमार जी अगले बार आप प्रशांत किशोर जी के डाटा पर तो जीत गए थे, इस बार क्या हुआ? आपने बच्चियों का सम्मान नहीं देखा, आपने बच्चियों की हिफाजत नहीं देखी, आप ठेकेदार पटेदार के दल बन गए, आप आम आदमी की आवाज नहीं बने। और ये राजद, इन्होंने तो पैसे वालों को, आम कॉमन वर्कर को देखना छोड़ दिया। ये कॉमन वर्कर को आप बुलाइए ना, पैसे से चुनाव नहीं होती है, चुनाव होता है जिस तरीके से छात्राओं ने, बच्चे ने एक सपना, एक जिम्मेदारी एहसास कराई उसको। सर क्या लगता है आने वाले समय में, जो आज एक प्रेसिडेंट का सीट हुआ है, आने वाले समय में जेएसपी हर विंग, हम दोनों मिलकर आगे काम करेंगे, बहुत मजबूती के साथ काम करेंगे, बहुत आगे। मनीष कुमार है जो जीत के बाद पप्पू यादव से मिलने आए हैं, पप्पू यादव से मिलने तस्वीरों के माध्यम से देख पा रहे हैं, आपको दिखवा रहे राजधानी पटना से, जहां पर पप्पू यादव एआईएसएफ जेएससीपी के दोनों जो विंग्स लीडर है वो मौजूद है। यहां पर तस्वीरों के माध्यम से देख पा रहे हैं सुशील कुमार जो एआईएसएफ के हैं, मनीष यादव जो जेएससीपी के हैं, पप्पू यादव मौजूद है यहां पर, छात्रों को बधाई देने के लिए यहां पर पहुंचे हैं। हर्षोल्लास का माहौल है, बड़ी जीत हुई है, किस तरह का गाइडलाइन मिला? देखिए पप्पू यादव जी हमें विचार देने का काम किया और पूरे बिहार को विचार देने का काम किया, और ये विचार की जीत है, ये जीत एक विचार की है, जो विचार हमें पप्पू यादव जी ने भेंट किया है।